नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है सेफ इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिस्की इन्वेस्टमेंट, किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले रिस्की इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं। आजकल का जो फीवर चला हुआ है ना यंग जनरेशन में, कि ट्रेडिंग करके रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, और काफ़ी सारे चैनल भी बोलते हैं गलती से सीखो, लॉस करके सीखो, टाइम दे के सीखो, टाइम लगेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगेगा, तब जाके सीखेंगे। और ये सारा चीज़ जो वो बताते हैं ना, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए जो ट्रेडिंग में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस ही ट्रेडिंग बनाना चाहते हैं। साधारण इन्वेस्टर है, उनको इस पचेड़े में नहीं पड़ना है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको बुआरी, कतला, रेहू, मछली चाहिए तो समुंदर में खुद नहीं घुसेंगे। यहाँ पे नाव चलाने वाले प्रोफेशनल हैं, यहाँ जाएंगे आपके लिए बुआरी, कतला, रेहू, मछली ढूंढ के लाएंगे, बदले में कुछ पैसा चार्ज कर लेंगे। तो ऐसे ही करना है साधारण आदमी को। लेकिन आपको मछली का प्रोफेशनल ही बनना है तो नाव भी खरीदिए, एक्सपर्ट भी बनिए, ट्रेनिंग भी लीजिए, सब कुछ सीख करके घुस जाइए। तो वैसे ही अगर ट्रेडिंग को ही प्रोफेशन बनाना है, उसी से जीवन यापन करना है, तो वो काम कीजिए। अब एक चीज़ है कि 90% लोग अपने ज़िंदगी में सक्सेस नहीं है और खुश भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगता है। मेरे जितने भी इन्वेस्टर हैं ना, बोलते हैं मन नहीं लगता, ये छोड़ के ये करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे तो फिर ये करेंगे। जितने भी टीचर हैं, ज़्यादातर, कुछ का बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जिनको मन लगता है अच्छी बात है, टीचर हैं उनको टीचिंग में मन नहीं लगता है। 1-2% का मैं बात नहीं करता हूँ, ज़्यादातर लोगों का बात करता हूँ, कुछ को मन लगता होगा, ज़्यादातर का यही करना है, इसमें मन नहीं लगता है, ये प्रोफेशन घटिया है। डॉक्टर साहब हैं, बोलेंगे कि हमको इसमें मन नहीं लगता है, यहाँ से निकल के दूसरा काम करना चाहते हैं, या फिर इतना पैसा कर लेना चाहते हैं कि बाद में कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, सबका यही हाल है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जब सिलेक्शन किया तो ये ध्यान दिया कि पैसा किस में ज़्यादा है, आसानी से क्या मिल जाएगा। आसानी से मिल तो गया, पैसा भी आ गया, लेकिन वो मन नहीं लगता है, वो जो चाह चाहिए था वो चाह का पूर्ति नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ टाइम देना है, अगर कोई काम ढूंढ रहे हैं तो टाइम देना है, सोचना है, उसके बाद उस काम में घुसना है। जीवन यापन करने के लिए घुस गए तो धीरे धीरे करके उस काम को चेंज कीजिए जहाँ आपको मन नहीं लगता है। यहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें होता यह है कि काम आप कुछ भी कर रहे हैं, बहुत तरह का काम है, बहुत तरह का प्रोफेशन है, काम जो भी कर रहे हैं, लेकिन उससे बीच बीच में टाइम निकाल के आप ट्रेडिंग करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लगाए 1 लाख रुपया है और डेली चाहते हैं कि 2,000 रुपया कमा ले, डेली 2,000 कमाना चाहते हैं। उस फेर में ये काम तो गया, चौपट हुआ, यहाँ भी एक्सपर्ट नहीं बन पाए और यहाँ तो ट्रेडिंग में पैसा बना ही नहीं पा रहे, यहाँ और धीरे धीरे करके लॉस ही हो रहा है। लगाए 1 लाख थे, फिर सैलरी का 20,000 अगले महीना लगा दिए, फिर 20,000 लगा लिए, शुरू में लगाए थे 1 लाख, सोच रहे हैं कि 1 ही लाख लगाए, बाद वाला पैसा कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे पैसा घुसते जा रहा है, ट्रेडिंग करके सीखते जा रहे हैं, टाइम देते जा रहे हैं, ये बर्बादी में क्यों घुसना है। आप म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए, फिर देखिए लॉस कब हुआ है, लंबे समय में 5 साल, 7 साल, 3 साल, 4 साल करके देखिए कि लॉस कब हुआ है। और यहाँ आपके सैलरी का पैसा जाता जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, कैलकुलेट नहीं। मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं इन्वेस्टर, कि ट्रेडिंग में पैसा जाता गया जाता गया, 10 साल, 15 साल से कर रहे हैं, पता ही नहीं चला कि बनाया या बिगाड़ा, वो पता ही नहीं चल पाता, कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस ट्रेडिंग के जाल से बाहर निकलना है, यदि आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्टेड रहना है तो म्यूचुअल फंड में ही जाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है, आजकल नौजवानों में गेमिंग ऐप, चैन सिस्टम, 60 दिन में पैसा 2 गुना डबल, इसको समझने के लिए ये जो है ना पिरामिड सिस्टम, यहाँ जो ऊपर में बैठा हुआ है ना, वो जब जाल बिछाया तो जाल के नीचे बहुत लोग फंसता चला गया, सबसे ऊपर में जो है थोड़े से लोगों को फायदा हो जाएगा, इतने लोग को नुकसान होना ही होना है, क्योंकि सारा पैसा इनका ही पैसा बटोर के ऊपर जा रहा है, तो ये तो खत्म होना ही होना है। तो देखेंगे चैन सिस्टम, ये सब सिस्टम जो है 3 साल, 5 साल, 6 साल में भंडाफोड़ होगा, जब सबका पैसा उसमें चला गया, ऊपर वाला गया, ऊपर वाला को फायदा हो जाएगा, जो स्मार्ट हैं उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले हैं, जो बेचारे भोले भाले लोग हैं, वो इसमें ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट का, बोलते हैं ना सेफ, सेफर, सेफेस्ट, स्टैंप लगा के दीजिए कि इतना पैसा रिटर्न मिलेगा। तो मेरा पूछना है कि पोस्ट ऑफिस में कभी 12% रिटर्न हुआ करता था, बैंक में FD का रिटर्न कभी 12% हुआ करता था,
आज वो गिर के 12 साल 15 साल के बाद 7% पे आ गया है, 7% पे आ गया है। तो वो जो स्टैंप लगा के गारंटी था, वो गारंटी आज कौन कर रहा है क्या? वो 12% आज मिल रहा है? अगर तो ये गारंटी होता, सेफ होता, तो 12% आज भी होता ना। तो इसका मतलब है कि जो जिसको हम सेफ, सेफर, सेफेस्ट बोलते हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं कि वो जो भी दिया वो सेफ है, 2 दिया तो ठीक है, 5 दिया तो ठीक है, वो सेफ है, इतना ही बोलना चाह रहे हैं। तो इस माइंड सेट को आप छोड़िए कि आज जो आपको 7 दिख रहा है, आने वाले 10-15 साल में ये 3 और 4 नहीं होगा। हो नहीं सकता है, होगा ही होगा। अमेरिका और चाइना में इंटरेस्ट रेट 1-2% है, कहीं कहीं पॉइंट में है। तो उतना जब विकसित हो जाएंगे, भारत देश जब उतना विकसित हो जाएगा, तो हमारा भी इंटरेस्ट रेट 0.5 और 1% होगा। वैसे स्थिति में अगर अभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं और वो अगर 10-12% रिटर्न देता है, तो सोचिए कितना गुना आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये समझने लायक है कि ये जो आपको 7% मिला, इसने कहाँ से जनरेट करके दिया? इसने भी मार्केट में ही लगाया, 15-16% वहाँ से जनरेट हुआ और आपको यहाँ पे 7% दिया। यदि किसी के पास भी 15 से 20 साल टाइम है ना, और उनको लगता है कि इतना जल्दी तो ऊपर जाएंगे नहीं, 15-20 साल टाइम है, तो दिमाग में जो वो हलचल है ना, उसको शांत करके थोड़ा कैलकुलेट करना है और सोचना है कि मच-मच फंड में अगर पैसा डाल देते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में, जिसका AUM 2 से 5 हज़ार करोड़ से ऊपर है, AUM पे जाना है, और जिसका रिटर्न 10 साल 15 साल 20 साल में मार्केट से ऊपर है, मार्केट मतलब सेंसेक्स इंडेक्स से, अगर इस फंड का रिटर्न लंबे समय में, 1 साल नहीं देखना है, 2 साल नहीं देखना है, 3 साल नहीं देखना है, 10 साल 15 साल 20 साल लॉन्ग टर्म व्यू में आप देखेंगे कि अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया है, मार्केट से बेहतर रिटर्न दिया है, तो इस फंड में घुस जाना है। AUM अगर 2000-5000 करोड़ से ऊपर है तो उसमें घुस जाना है। तो यदि इस तरह के साधारण ट्रैक पे चलेंगे, तो ज़िंदगी में जितना भी फाइनेंशियल गोल है ना आपका, वो पूरा होते रहेगा, इजीली पूरा होते रहेगा। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से जब पर्सनली मिलता हूँ, कि छोटे छोटे कैलकुलेशन में मत पड़िए, बड़ा कैलकुलेशन छूट जाएगा। तो छोटे छोटे टाइम को वेस्ट करेंगे चिंदी को इकट्ठा करने में, तो कुछ बड़ा चीज़ ना आपके हाथों से छूट जाएगा। तो बड़ा कैलकुलेशन करें, लाखों करोड़ों में कैलकुलेट करेंगे, लंबे समय के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो वो बड़ा चीज़ हाथ में आने का कोशिश में रहेगा। अगर आप छोटा छोटा कैलकुलेट करेंगे तो खोपड़ी सारा यहीं पे बज जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस बड़े चीज़ को आने के लिए करना क्या है, 1 महीना टाइम निकाल के शांत बैठना है, कैलकुलेट करना है, सोचना है ज़िंदगी में कि किस रास्ते में जाऊँ। चकाचौंध दिख रहा है तुरंत 60 दिन में पैसा डबल, तो 60 दिन के अंदर पैसा वो जा भी सकता है, डबल तो हुआ नहीं, जो पैसा लगाया वो भी 0 हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने बताता हूँ कि कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ देखेंगे कि कोई सोचता है कि मेरे पास 20 लाख रुपया है, चाहे 2 लाख है, चाहे 20 हज़ार है, चाहे 1 लाख है, जिसके पास जितना है, 20 लाख रुपया है, ये मैं प्लॉट खरीद लेता हूँ, बिजनेस के लिए दुकान खोल लेता हूँ, वहाँ पे रेंट लगा दूंगा, ऐसे करके कुछ कर लेता हूँ 20 लाख रुपया। वो पैसा अगर 30 साल के लिए छुटा रह जाए और 15% का रिटर्न मिले, तो इस 20 लाख का वैल्यू 13 करोड़ रुपया होता है। मैंने 20 लाख रुपया बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करके छोड़ा है, वो प्लॉट नहीं खरीदा है, वो फ्लैट नहीं खरीदा है, वो इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है। तो वो 20 लाख 30 साल के बाद जब बच्चों को वो पैसा गिफ्ट करूंगा, तो प्लॉट फ्लैट गिफ्ट नहीं करूंगा, ये पैसा गिफ्ट हो जाएगा। यदि इसी तरह से धरती दुनिया चलते रहे और मार्केट 15% का रिटर्न दे, तो अगला क्वेश्चन होगा आपका कहाँ पैसा लगाऊं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है स्मॉल कैप, सिंस इंसेप्शन 5 लाख रुपया एक बार झोंक दिया, और यहाँ पे परसेंटेज को ना क्लिक करके AUM सेलेक्ट किया है। पहला फंड आता है निपोन इंडिया स्मॉल कैप, 5 लाख रुपया यहाँ पे झोंका था 10 साल पहले, तो आज 13 साल के बाद 46 लाख रुपया है, 19% का रिटर्न। SBI स्मॉल कैप में 5 लाख रुपया 2009 में लगाया था, आज 2023 में वैल्यू है 55 लाख, 19.52% का रिटर्न है। HDFC स्मॉल कैप ने 2008 से ये खेल शुरू किया था, 5 लाख रुपया यहाँ पे वन टाइम लगाया, तो 40 लाख रुपया वैल्यू है 15% के रिटर्न से। इसी तरह DSP स्मॉल कैप का देखेंगे, 5 लाख का वैल्यू 56 लाख है, 16% के रिटर्न से। अब हम यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी का बात करते हैं, सेलेक्ट किया है मिड कैप, यहाँ पे सारे कैटेगरी है, यहाँ पे हमने सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया है और 5 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किया है। तो देखते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 2007 में 5 लाख रुपया वन टाइम, वही प्लॉटबाजी ना करके, कॉर्नर का फ्लैट ना देख के, उस प्लॉट में इतना बन जाएगा ऐसा ना करके यहाँ किया होता,
तो 50 लाख रुपया बना है 15% के रेट से। कोटक इमर्जिंग 2007 से लेके 2023 तक 5 लाख वन टाइम का वैल्यू 38 लाख बनाया है, 13.58% का रिटर्न मिला है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे पुराना फंड अगर देखा जाए, फिर फ्रैंकलिन का भी नाम आता है, 1995 में 5 लाख रुपये यहाँ पर लगाया था, उसका वैल्यू है 10 करोड़ 66 लाख, 21% का रिटर्न। अगर फ्रैंकलिन का देखेंगे तो यहाँ पे आएगा फ्रैंकलिन 93 में 5 लाख रुपये वन टाइम लगाया था, तो आज वैल्यू है 7 करोड़ 31 लाख, 18% का रिटर्न। तो इस तरह से बड़ा कैलकुलेशन करना है तो लंबे समय के लिए सोचना है, एग्जिस्टिंग देखेंगे 20 साल 25 साल 30 साल से क्या चीज़ चल रहा है, भागा नहीं, डूबा नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, तो उसका नाम है म्यूचुअल फंड SIP। अब कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि किम जोंग इंडिया में कभी भी नहीं फेंकेगा वही हाइड्रोजन बम, ये वाला फेंक देगा, क्या नाम बताते हैं सबसे बड़ा दुश्मन, ये और ये फेंक देंगे ऐसा बोलते हैं। एक बात जान लीजिए, TV मीडिया रिंगटोन न्यूज़ में जितना चीज़ बोला गया ना, अगर मुझसे पूछेंगे ना कि मुझे कभी घूमने का मन हो तो मैं यहाँ जाना पसंद करूँगा इन्हीं के पास, क्योंकि इसको बहुत बड़ा विलेन बनाया गया है। मेरा मानना है TV मीडिया पेपर रिंगटोन से जिसको विलेन बनाया गया ना, वो सबसे बड़ा हीरो होगा। मुझे सच में हार्दिक इच्छा है कि मैं इनसे मिलूँ, इसके देश में जाऊँ। और आपका कहना है कि ये गिरा देगा, सच पूछिए तो ये भी नहीं गिराएगा। इसके लिए आपको पिक्चर देखना चाहिए रामलखन। रामलखन में एक पिक्चर में सबसे पीछे में पर्दे के पीछे एक विलेन होता है, सरडॉन नाम होता है उसका, ठीक है, इंटरनेशनल विलेन, 4-5 आदमी है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब वो रहता कहाँ पता है, बरमूडा के ट्रेंगल में, वहाँ कोई जा भी नहीं सकता है, गया तो ऊपर गया, ढूंढने गया तो वही गया। मुझे वैसे ही लगता है ये सब कहानी बना है, बरमूडा का ट्रेंगल ये वो सब नौटंकी है, सब वैज्ञानिक ये वो सब जंजाल हमारे लिए, वो सब कुछ क्लियरिटी आ गया ये भूतकाल में, सब लगा हुआ है तंत्र मंत्र सब उनको सही करने में लगा हुआ है। तो बहुत कुछ है जो सच नहीं, इसी के लिए बोलता हूँ खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन कीजिए, जो दिख रहा है वैसे उसको नहीं देखना है, अदर वे में देखना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों विशेष जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।